आम आदमी पार्टी और बीजेपी हाउस टैक्स के मुद्दे पर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एमसीडी ने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, लेकिन एमसीडी ने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को खारिज करने वाला दस्तावेज पेश कर आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। एमसीडी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बार ये जंग छिड़ी है प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर। प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर हमले की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी कर लोगों पर महंगाई की मार डालने जा रही है। आप नेता ने यहां तक दावा कर दिया कि टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। आज ये खबर आ रही है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने जा रहा है, और कोई 2% 5% 10% नहीं, सीधा सीधा एक तिहाई से ज्यादा 34% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने जा रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा रहा है वो सभी कैटेगरीज में बढ़ाया जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच कैटेगरी तक में भी 34% तक प्रॉपर्टी टैक्स एमसीडी साउथ एमसीडी बढ़ा रही है। सौरभ भारद्वाज के इस भारी भरकम दावे की कुछ ही घंटे में हवा निकल गई और एमसीडी ने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के दावे को झूठा साबित कर दिया। दावा बयानों से नहीं बल्कि सबूतों से झूठा साबित किया गया। इसके लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता सदन नरेन चावला ने स्टैंडिंग कमेटी का ये दस्तावेज दिखाया, जिसमें हाउस टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव कमेटी पहले ही खारिज कर चुकी है। बुधवार को सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को खारिज करने पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी। आम आदमी पार्टी झूठ की ही इमारत पर खड़ी है। उनका झूठ बोलना ये उनकी आदत में शरीक है। बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े नेता तक वो अक्सर झूठ बोलते हैं, और उन्होंने अपने कार्यों से और झूठ बोलने से हिटलर को भी शर्मिंदा किया है। वो अक्सर ये बातें करते रहते हैं और मैं अक्सर ये बात बोलता भी हूँ। वो जो बात बोल रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने कोई हाउस टैक्स की किसी बढ़ी हुई मदों को अप्रूव किया है, जो कि सिरे से गलत है। जो डिपार्टमेंट की तरफ से हाउस टैक्स वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव आया था, जिसको कि स्टैंडिंग कमेटी ने पहली मार्च को खारिज कर दिया था। स्टैंडिंग कमेटी के इस दस्तावेज से साफ होता है कि एमसीडी ने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के किसी प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं दी है और न ही आगामी सदन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, और वो झूठ बोलकर इस मुद्दे पर दिल्ली को गुमराह करना चाहते थे। टोटल न्यूज़ के लिए कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।